छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने झारखंड में खूंटी लोकसभा के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। सिंहदेव ने कहा है कि जब मतदान हुआ तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 6,28,000 लोगों ने वोट किया था, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए 6,30,000 वोट निकले। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव को चुनाव से पहले ओडिशा का सह प्रभार मिला था, उसके बाद उन्हें झारखंड भी देखने को कहा गया था। यहां से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, बीजेपी के अर्जुन मुंडा से केवल 1,445 वोटों से हार गए थे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ओडिशा में कांग्रेस को 5-6, झारखंड में 4 सीटें जीतने की स्थिति में थी। अब क्या कहना चाहिए, नतीजे के बाद लगता है कि बहाना टाइप बना रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मतदान गिरने का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, गिनती में भिन्न आंकड़ा सामने आया। 6,28,000 अगर चुनाव आयोग ने कहा तो गिनती में वो 6,30,000 वोट की गिनती हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में भी एक जो हमारी सीट थी बहुत नजदीकी से हम हारे, तो झारखंड में एक दो सीट